गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज का वीडियो है पर्पल हॉल। अभी रिसेंटली मैं कुछ पर्पल से प्रोडक्ट्स परचेज की थी, मोस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मेरे फेवरेट ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए काफी ज्यादा। इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसे मैं अपने फेस पर भी यूज करके आप लोगों को दिखा दूंगी, ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि वो क्या इफेक्ट देता है फेस पर। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले उस रेड कलर के बटन को क्लिक करके, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे लेकर आती हूँ अपने चैनल पे एज एन आप लोगों के चैनल पे। सो डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 1 2 3 कम ऑन। बॉक्स जिसमें कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे पास, तो चलिए एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला आइटम है ये मेकअप रिमूवर वाइप्स, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कैनेडा। मुझे एक ऑफर में मिल रहा था तो मैंने इसे ले लिया। एंड आजकल गाइस, पहले था कि हम मेकअप रिमूवर परचेज करते थे एंड उससे फिर रिमूव करते थे। आजकल ये बहुत ही ईजी तरीका आ गया है कि आप वाइप लो, मेकअप रिमूवर वाइप लो एंड उसी से अपने फेस को वाइप करके क्लीन कर लो, तो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। तो मैंने सोचा आई नॉट परचेज दीज वाइप्स इंस्टेड ऑफ यू नो गोइंग फॉर अ मेकअप रिमूवर। इसे मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 3 का पैक था एंड MRP इसकी 250 लिखी हुई है, बट कुछ तो भी ये ऑफर में था। ये इस तरह के पैक में आता है, छोटे छोटे से वाले लिए हैं सो दैट कि मैं इसे पर्स में भी कैरी कर सकती हूँ, कहीं बाहर गई हूँ एंड यू नो आई हैव टू रिमूव माई मेकअप। एक पीस है 99 rupees का। दिस इज एल्कोहल फ्री एंड पैराबन फ्री मेकअप रिमूविंग वाइप्स, इसीलिए भी मैंने इसे चूज़ किया था। फेसेस कैनेडा इज़ अ नोन ब्रांड एंड 10 वाइप्स आता है एक के अंदर। टोटल मुझे 30 वाइप्स मिले हैं फॉर अराउंड 200 rupees, तो ठीक है। चलिए आपके सामने मैं अपने मेकअप को रिमूव करके दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में जो जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसे मैं अपने फेस पर यूज़ करके भी दिखाऊंगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे आईज पे लगा हुआ है मेकअप, मैं इसे रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, निकल गया पूरा आई मेकअप मेरा, निकल गया है, बहुत इजीली निकला। जस्ट यू हैव टू स्वाइप इट, वो भी बहुत घिसना नहीं है, एकदम स्लाइटली करना है एंड ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है। हाँ, अच्छा है ये वाइप। लिपस्टिक लिप ग्लॉस ही लगाया हुआ है, नहीं करती हूँ रिमूव, बाकी फेस पर ऐसे ही करके दिखा देती हूँ। बहुत आराम से निकल गया एंड इसे मैं पहले भी यूज़ की हुई हूँ, तो इट्स अ रियल नाइस प्रोडक्ट। बहुत आसानी से मेकअप रिमूव कर देता है, प्लस इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, पैराबेन फ्री है, तो आप सेफली इसे यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसे खोल के यूज़ कर लिया है क्योंकि बहुत पहले लिया था और वीडियो यू नो किसी रीज़न से डिले हो गया बनाने में, तो ये इस तरह के बॉक्स में आया था गाइज। दिस इज़ फॉर द प्राइस 225 rupees। दिस इज़ रोज़ हिप सेरम। ये मैं पहले भी इसका रिव्यू की हुई हूँ अपने चैनल पे। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट है गाइज, स्पेशली विंटर्स में तो ये मेरे लिए अ मस्ट है, क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई, तो बहुत अच्छी तरह से ये मेरे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है ये सेरम। मैं ऐसे मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम यूज़ करती हूँ, तो ये मेरा ख़त्म हो गया था। एंड इसकी खुशबू भी बिल्कुल वो रोज़ की तरह है, तो मैं ऑलरेडी क्लिंस्ड फेस पे आपको ये सेरम लगा के दिखाती हूँ। ऐसे भी अभी रात हो रहा है तो मुझे ये नाइट रूटीन करना ही था। ये इस तरह के ड्रॉपर में आता है, बट जब पैकेजिंग होती है तो ये ड्रॉपर अलग से मिला होता है, इसे मैंने इसमें लगाया है। यू जस्ट हैव टू टेक 3 to 4 ड्रॉप्स इन योर हैंड पाम। आप चाहें तो फेस पे भी लगा सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि स्लाइटली ये वार्म हो जाता है जब हम हैंड्स को रब करते हैं ना, तो कोई भी फेशियल ऑयल या सेरम यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा वार्म करके लगाने से उसका इफेक्ट अच्छा आता है गाइस। उसे बस आपको ना यू नो स्वाइप नहीं करना है अपने फेस पे, जस्ट हैव टू डैब डैब इट लाइक दिस ऑन योर फेस सो दैट कि आराम से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इतना अच्छा, इतना इसका फ्रेग्रेंस इतना सूदिंग है, प्लस आप देख सकते हैं मेरे फेस पर ये अच्छा सा शाइन आ गया है। इट्स नॉट वेरी ऑयली बट यस, इट्स नॉट जेल लाइक ऑल्सो,
ये मोस्टली जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है उनके लिए बेस्ट है. आई थिंक ऑयली स्किन वालों के लिए मे बी विंटर्स में चल जाए, बट समर्स में नहीं चल सकता. तो आप देख सकते हैं इसने क्या कमाल किया है मेरे चेहरे पे इस छोटे से प्रोडक्ट ने. गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पे कुछ ना कुछ ऑफर पक्का रहता है. एंड हाँ, ये चीज़ भी गुड वाइब्स ब्रांड के बारे में आप लोगों को बता दूं गाइज, ये सच में कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रहे हो इसीलिए आप बता रहे हो कि इसकी तारीफ कर रहे हो. बट आई एम अ स्मॉल यूट्यूबर, आप खुद देख सकते हो 3,000 सब्सक्राइबर्स हुए, अभी मुझे स्पॉन्सर्स मिलने नहीं स्टार्ट हुए. मैं बहुत जेन्युइन रिव्यू करती हूँ गाइज, एंड मे बी दैट्स वाई आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो. तो ये जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांड, तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइज. गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स होते हैं पैराबिन फ्री होते हैं, SLS फ्री होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, इन शॉर्ट, एंड दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, अल्कोहल फ्री, एनिमल्स पे नहीं टेस्ट किया जाता है. तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस ब्रांड की, डेफिनेटली मस्ट ट्राई है ये प्रोडक्ट. नेक्स्ट अगेन मैंने गुड वाइब का ही इस बार रोज हिप फेस क्रीम भी लिया, बिकॉज मुझे ये सरम इतना ज़्यादा पसंद है कि मैंने सोचा चलो क्रीम भी ट्राई करके दिखा जाए. पैकेजिंग आप देखिए कितने अच्छे से आई हुई है इसकी, 245 रुपीस का है. इसमें कोई मिनरल ऑयल भी नहीं है गाइस, एंड इसमें है 50 ग्राम प्रोडक्ट. इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, अंदर से भी पिंक कलर का ये क्रीम है, खुशबू बिल्कुल वो रोज़ वाली है गाइस, एंड बहुत ही हाइड्रेटिंग क्रीम है ये. इतना अच्छा, इतना ठंडा ठंडा सा फीलिंग हो रहा है. देखिए स्लाइटली आपको मसाज कर लेना है ऐसे अपने फेस पे, एंड दैट्स इट. एक अच्छा सा हाइड्रेशन है ना, आप मेरे स्किन पर शाइन देख पा रहे होंगे कि क्या दिया है इसने मुझे. लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है, एंड वो है ये ऑरेंज फेस जेल, अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स. इस प्रोडक्ट को मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ गाइज, एंड आई रियली डोंट नो अबाउट इट. पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, सेम सिमिलर बॉटल में आया है, 50 ग्राम प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है 180 रुपीज़, थोड़ा कम है. मैं इसे ट्राई करके देखना चाह रही थी, पैकेजिंग आप देख लीजिए कितनी अच्छी है. अलग ही सा कलर है गाइस, ये ट्रांसपेरेंट सा ऑरेंज कलर में है ये देखिए. क्या खुशबू है, जिन्हें ऑरेंज पसंद है उनको तो बहुत पसंद आएगा. एंड जेल लाइक कंसिस्टेंसी इसकी, ये ऐसा लग रहा है एलोवेरा जेल लगा रहे हैं बट ऑरेंज वाली खुशबू वाला. इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी गाइज, आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है. दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, मेरा स्किन ड्राई है एंड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज मोस्टली जो जेल वाले क्रीम्स होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए नहीं होते हैं, बट येस ये लग रहा है कि ये ड्राई स्किन को भी सूट कर रहा है, ये ड्राई नहीं कर दे रहा है मेरे फेस को. सो आई हैव रियली लव्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स दैट आई हैव परचेज फ्रॉम गुड वाइब. अब जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो जल्दी से निकालती हूँ मैं, वो इस तरह के पैकेजिंग में, इसे मैंने नहीं खोला था, मैंने सोचा था कि आप लोगों के सामने ही खोलूँ. एंड ये देखिए गाइस ये क्या है, ये है हिप हॉप स्किन केयर क्लिंजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स. मेरे नोज़ पे बहुत सारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हो गए थे, आपको ये ब्लैक मार्क दिख रहा है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि एक ब्लैक एक वाइट हेड था मेरे नोज़ में जो बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था, तो उसे मैंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं करना चाहिए, मुझे पता है ये नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वो ना वो बम्पी सा फील होता था, बहुत अनईजी लगता था मुझे, तो मैंने एक दिन कर दिया उसे, थोड़ा सा मैंने स्टीम लिया एंड निकाल दिया मैंने उस पूरे ऑयल को, बट ये मार्क आ गया. अब उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ जल्दी जल्दी वो जाए ब्लेमिश बाम वगैरह लगा के. तो यस इसी के लिए मैंने ये नोज स्ट्रिप्स लिए हैं, सो दैट कि ये जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है वो निकल जाए. इसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे यूज़ करते हैं, और ये मैं अभी नहीं यूज़ कर पाऊँगी गाइज, क्योंकि अभी लगाऊँगी पूरा, मैंने ऑलरेडी क्लिंजिंग कर लिया है तो, एंड क्रीम भी लगा लिया है इसीलिए भी, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊँगी. 110 रुपये का है एंड इसमें है टोटल 3 स्ट्रिप्स, तो मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का एक समझ लीजिए गाइज, एंड पता नहीं इसका इफेक्ट क्या होता है, वो तो ट्राई करके ही पता चलेगा. इसका रिव्यू मैंने चेक किया था तो वो ठीक ठाक था, दैट्स व्हाई आई हैव परचेज्ड इट. तो गाइज ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए थे, आई होप
आप लोगों को पसंद आए होंगे एंड मेरा वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करने का, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये प्रोडक्ट्स आप ले या ना लें। गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स आई डेफिनेटली रिकमेंड। हिप हॉप वाला आई रियली डोंट नो, एंड वो जो मेकअप रिमूवर था वो तो गाइज मस्ट हैव है, वो आप लीजिए। कॉटन लो, मेकअप रिमूवर डालो, निकालो उससे, उससे तो बेटर है कि आप एक वेट वाइप निकालो एंड पूरा फेस को एक वेट वाइप से क्लीन कर लो। तो बस यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा ये वीडियो। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो इसे लाइक कर देना गाइज, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कॉमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ उस रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन भी साथ ही साथ क्लिक कर लेना ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू एंड गुड लक, बाय।